इस धरती पर जन्मे दो युवा, एक ने चुनी देशभक्ति, दूसरे ने चुना आतंकवाद। एक ने देश को दुश्मनों से बचाने की कसम खाई तो दूसरे ने इस देश को दुश्मनों को बेचने की कसम खाई। एक ने देश का सिर गर्व से ऊंचा किया तो दूसरे ने देश का सिर शर्म से झुका दिया। फिर ऐसा अन्याय क्यों? क्यों बुरहान वानी के जनाजे पर फूलों की बारिश और उमर फैयाज के जनाजे पर पत्थर की बारिश? 2008 में 90 जवान, 2014 में 51 जवान, 2016 में 87 जवान, दुश्मन हमारे जवानों के सिर काट कर ले जा रहा है। और हमने क्या किया? कड़ी निंदा। हमारे देश की रक्षा करने वालों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। और हमने क्या किया? कड़ी निंदा। कश्मीरी लोगों को बाढ़ के समय भारतीय सेना ने मदद की थी और आज वही लोग उन पर पत्थर फेंक रहे हैं। और हम चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं। कब तक हम हमारे जवानों की शहादत पर चुप्पी साधे रहेंगे? नहीं, अब नहीं। अब वक्त है कड़े प्रहार का। A 23-year-old youth is killed because he decided to serve his nation. Dear Lieutenant, you have boosted our morale to join the forces. Your death will be avenged and harshly avenged. इस घटना ने उन देशद्रोहियों का अंत और भी निकट लाया है। Dear Prime Minister, we all are with you. Declare Pakistan as a terrorist state. Give free hand to the Indian Army. Reach out to the Kashmiris. हमारे कश्मीरी भाइयों को दिलासा दो और उन देशद्रोहियों को दंड दो। Our tolerance should not become our weakness. अब वक्त आ गया है कि हम हमारी सेना के हाथ मजबूत करें। भारतीय सेना, हम तुम्हारे साथ। पूरा देश तुम्हारे साथ है। Those terrorists will have to suffer the consequences of their deeds. भारतीय सेना ने फिर एक यंग ऑफिसर खो दिया। लेफ्टिनेंट ओमर फैयाज जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। उनको फिर शहादत देनी पड़ी अपने देश के लिए। ये कब तक होता रहेगा जम्मू कश्मीर? इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? आतंकवादी, पाकिस्तान, अलगाववादी? इन अलगाववादियों का हमें तुरंत बंदोबस्त करने की जरूरत है। भारत सरकार से हम गुहार लगाने चाहेंगे, सबसे पहले इन अलगाववादियों का बंदोबस्त करिए। हमारी भारतीय सेना इसका जरूर मुंहतोड़ जवाब देगी। There will be retribution and it will be at the time and place of our choosing. लेकिन जरूरी यह है कि हमारी सरकार ने कुछ कदम उठाने चाहिए। अलगाववादियों का तुरंत बंदोबस्त कर दिया जाए, तुरंत इन्हें जेल में बंद किया जाए, इनके अकाउंट्स फ्रीज किए जाए, इनकी आवास को तुरंत दबा दिया जाए। ये बहुत जरूरी है, तभी जाकर जम्मू कश्मीर में शांतता होगी और तभी जाकर हमारा राष्ट्र एकत्रित होगा। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।